बात करें कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की, तो उनका यह कहना है कि राहुल को जैसे का तैसा बताने के इरादे से वाराणसी में रैली वो नहीं कर रहे, बल्कि ये एक सामान्य रैली है। मतदान के दिन राहुल के अमेठी में मौजूद रहने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार किसी से डरता नहीं है। राहुल 2004 में भी अमेठी में रहे थे। उनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष ने। आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय जी। दिग्विजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी वाराणसी क्यों जा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो डर गए हैं, या इसीलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेठी गए थे इसलिए आप गांधी परिवार से किसी को वाराणसी जाना पड़ेगा? पहली बात तो यह है कि नेहरू गांधी परिवार ने कभी डर के काम नहीं किया। ये वो परिवार है जिसने संघर्ष में अपना जीवन जिया है, जिसने अपने दो दो लोगों के लोगों की शहादत दी है। जिस तरह से इंदिरा जी ने इस देश को सिख टेररिस्ट एक्टिविटी से बचाया है और अपनी खुद की जान दी है, ये अपने आप में इतिहास है। राजीव गांधी ने जिस प्रकार से अपनी शहादत दी है, ये इतिहास है। तो नेहरू गांधी फैमिली के बारे में ये आप कभी मत सोचना कि कभी डर के काम करेंगे। सुन लीजिए, जहाँ तक अमेठी की बात है, अमेठी में चुनाव के दिन वो 2004 में भी गए थे, वो तो कम 2009 में नहीं गए थे, दिन भर रहे थे, आज भी गए थे, मतलब कल भी गए थे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखिए जी, अगर आंकड़े कम हो जाते हैं या मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम हो जाता है राहुल गांधी का, क्या आप लोगों के लिए वो एक एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन होगा? पहली बात तो ये बहुत ही एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि कितने मार्जिन से जीतेंगे, कितने मार्जिन से रहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 16 मई के बाद बात करेंगे। और बनारस में ये आरोप, अभी जैसे हम आप बात कर रहे हैं, बनारस में बीजेपी का आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग पार्शियल है। राहुल गांधी को तो रोड शो करने का परमिशन मिल गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को रैली करने का नहीं। अरविंद केजरीवाल गंगा आरती कर सकते थे, नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस बात की निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पर आरोप लगाया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। वो उस संगठन के व्यक्ति हैं जहां कोई संविधान नहीं है, आरएसएस। तो इसलिए ऐसे आरएसएस के प्रचारक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्या संविधान, क्या जो हम कहें वो कानून है। तो संवैधानिक परिस्थितियों को ज्यादा ये मानने वाले लोग नहीं है। जनता इस बात को समझेगी, देखेगी आगे चल के। खुदा ना खास्ता अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले पल्लवी जी आप जरा होशियार रहिएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जिस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, जिसको कि वहाँ की कानून व्यवस्था देखनी है, और उसके परमिशन की एक प्रक्रिया होती है। जब परमिशन के लिए पुलिस से वेरिफिकेशन लिया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही उनका थ्रेट परसेप्शन लाइफ का बहुत ज़्यादा है, इसलिए IB की रिपोर्ट भी ली जाती है। हर तरह की रिपोर्ट लेने के बाद ही परमिशन दी जाती है कि उसके अंदर उनको व्यवस्था करनी है। व्यवस्था करने में प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उन्होंने सारी परमिशन दी है। गंगा आरती की भी परमिशन दी है, पब्लिक रैली की भी मीटिंग परमिशन दी है, होटल में 150 लोगों की मीटिंग उसकी भी परमिशन दी है। अगर आप ना लेना चाहो तो केवल इशू बनाना चाहो तो बनाइए।